हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। फ्रेंड्स, नोटबुक इज रेडी, योर टेस्ट इज रेडी, तो फटाफट अपने आप को कनेक्ट कर लें लाइव चैट के अंदर। जो स्टूडेंट सबसे पहले रिप्लाई करेंगे, जिनका रिप्लाई भी सही होगा, उनके नेम्स को हम लोग अनाउंस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, एंड ऑफ द वीडियो। तो करना क्या आपको, फटाफट से जवाब देने की कोशिश करनी है, एरर फाइंड आउट करने हैं, और इस वीडियो के थ्रू हम ये भी चेक कर लेंगे कि कितने लोगों ने हमारी पिछली एक्टिव एंड पैसिव सीक्वेंस की वीडियोस को प्रॉपरली देखा है, नोटिस किया है। तो इस वीडियो से इस बात का भी आइडिया लगेगा कि आप लोगों ने कितना सीरियसली जो है वो पढ़ाई करी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एंड बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, आप इस लिंक को फटाफट से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट वो लोग भी कनेक्ट हों, सो दैट कि हमें कंपटीशन में और ज़्यादा मज़ा आए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों में कंपटीशन होगा, आपको जीतने में उतना ही अच्छा लगेगा। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो नाउ, कम टू द क्वेश्चन नंबर वन। आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको ट्राई करना है कि एरर फाइंड आउट कर सको, और आपको बेसिकली सिर्फ पार्ट में, किस पार्ट में एरर है वही बताना है। एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं बाद में करने वाला हूँ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कोज लेट हिम स्पीक, या फिर कोई एरर नहीं है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कोज लेट हिम स्पीक, या फिर कोई एरर नहीं है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, कोशिश करें कि अपना जो आंसर है वो उसको रेडी रखें। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, और जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है, आप फटाफट से उसका रिप्लाई करें। ओके, सो बता रहा हूँ मैं अब, पार्ट थ्री, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एरर, लेट हिम स्पीक इन टू, लेट हिम स्पीक को हम लोग चेंज करेंगे, चेंज इन टू शुड बी अलाउड। लेट हिम स्पीक की कोई भी यहाँ पर पैसिव सेंस नहीं बन रही है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे शुड बी अलाउड के साथ। क्वेश्चन नंबर टू, आपको मेरे क्वेश्चन फिनिश करने से पहले रिप्लाई नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप उससे पहले आंसर देते हैं तो फिर वो आंसर वैलिड नहीं होगा। आपको तभी स्टार्ट करना है जब टाइमर स्टार्ट होता है, मतलब चाहे वो एक सेकंड के बाद ही आप रिप्लाई करें, बट टाइमर के स्टार्ट होने के बाद ही आपको रिप्लाई करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चंस, आई ऑलवेज रिपीट द क्वेश्चंस टू टाइम्स। ओके, द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट, या फिर कोई एरर नहीं है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से रिप्लाई करें। यस, तो कई बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। सो टाइम अप, अभी मैं बता रहा हूँ, शुड यूज को हम लोग चेंज कर देंगे शुड बी यूज्ड में। पार्ट टू इसका एरर है, मींस के जिन लोगों ने पार्ट टू आंसर दिया है उनका सही जवाब है, और शुड यूज को हम लोग रिप्लेस कर देंगे शुड बी यूज्ड के साथ, क्योंकि शुड यूज जो है वो कोई पैसिव सेंस नहीं देता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोगों ने यूज करनी होती है, तो शुड बी यूज्ड इसका रिप्लाई सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल, या फिर कोई एरर नहीं है। पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल, या फिर कोई भी एरर यहां पर नहीं है। सो टाइमर हैज बीन स्टार्टेड, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, टाइम अप। पार्ट टू, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज द एरर पॉइंट, और रिसाइकल को चेंज कर देंगे रिसाइकल्ड के अंदर। ओके, तो बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव फॉर्म, इन पैसिव वॉइस, तो रिसाइकल को चेंज कर देंगे रिसाइकल्ड के अंदर। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 meters अबाउ द सी लेवल, या फिर कोई एरर नहीं है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 meters अबाउ द सी लेवल, या फिर कोई भी एरर नहीं है। टाइम स्टार्ट है, तो फटाफट से रिप्लाई करें। गुड गुड, बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करते रहते हैं, बड़ी जल्दी रिप्लाई करते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल रेडी रहते हैं। ओके, टाइम अप। नाउ आई एम टेलिंग यू, सिचुएटिंग को हम लोग चेंज कर देंगे सिचुएटेड के अंदर, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज द एरर पॉइंट इन दिस सेंटेंस। सिचुएटिंग इज चेंज्ड इनटू सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर फाइव, द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड, या फिर नो एरर। सोशल
एक्टिविस्ट द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड, या फिर कोई एरर नहीं है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से रिप्लाई करें। ओके टाइम अप। पार्ट टू इज द एरर पॉइंट इन दिस सेंटेंस एंड मर्डर्ड एंड मर्डर इज चेंज्ड इनटू मर्डर्ड। तो मर्डर को चेंज कर देंगे इसकी थर्ड फॉर्म में जो कि है मर्डर्ड। ओके द सिक्स्थ क्वेश्चन, द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन, या फिर कोई एरर नहीं है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन, या फिर कोई एरर नहीं है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो फटाफट से टाइमर के अंदर आपको जवाब देना है। बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, गलत। ओके टाइम अप। नाउ आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। पार्ट टू इसका एरर है, और टू डू को हम लोग चेंज कर देंगे डू के अंदर। टू डू को हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे डू के अंदर। रूल क्या होता है, एक्यूसेटिव वर्ब के बाद अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। रूल क्या कहता है, अगर मेक वर्ब आई है, मेक वर्ब, देन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनिटिव की पोजिशन में आएगी। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पर टू लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर मेक वर्ब है, मेड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मेक, तो मेक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव, मीन्स के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, फटाक से जवाब निकल करके आएगा। द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, या फिर कोई एरर नहीं है। ओके ओके टाइम अप गाइस, टाइम अप। इसका भी सेम जवाब है बिल्कुल, पार्ट टू इसमें रॉन्ग पॉइंट है, और टू डू को हम लोग यहाँ पर भी चेंज करेंगे डू के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी मेड वर्ब आई है, मेड वर्ब आई है, देन उसके बाद हर स्टेप डॉटर आया है, उसके बाद टू डू आया है, तो टू डू को हम लोग हटा देंगे और वहाँ पर यूज़ करेंगे डू को। क्वेश्चन नंबर 8, द हैवी वेट फाइटर, द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट इन वन पंच, या फिर कोई एरर नहीं है। द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट इन वन पंच, या फिर नो एरर। सो फटाफट से टाइम आपका निकल रहा है। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। ओके पार्ट टू यहाँ पर एरर है, पार्ट टू इज द एरर, एंड वॉज नॉकिंग को हम लोग चेंज करेंगे वॉज नॉक्ड के अंदर। वॉज नॉकिंग इज नॉट द पैसिव सेंस, एंड वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर जो पैसिव सेंस बनेगी वो रहेगी वॉज नॉक्ड, तो वॉज नॉकिंग को वॉज नॉक्ड में चेंज करेंगे, तो सेकंड पार्ट यहाँ पर एरर था। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दो क्वेश्चन बचे हैं, तो अपनी पोजिशन को इम्प्रूव कर सकते हो। द क्वेश्चन नंबर 9 सेज द प्रोमिस वॉज ब्रोकन बाय हिम, द प्रोमिस वॉज ब्रोकन बाय हिम, या फिर कोई एरर नहीं है। तो टाइमर इज गोइंग ऑन, फटाफट से जवाब दीजिए। ओके टाइम अप। इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। नाउ फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। नो वन नोज हाउ ही एस्केप्ड बीइंग डैश्ड टू पीसेस, या फिर कोई एरर नहीं है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, नो वन नोज हाउ ही एस्केप्ड बीइंग डैश्ड टू पीसेस, या फिर कोई भी एरर नहीं है। सो गाइज फटाफट से जवाब दीजिए, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ओके 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 टाइम अप। नाउ आई एम गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द आंसर इज नो एरर, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। सो गाइज आई होप कि ये टेस्ट आपको पसंद आया होगा, और आपकी कुछ ना कुछ तैयारी यहाँ से हुई होगी, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं उन क्वेश्चंस का टेस्ट ही आपके साथ शेयर करूँ, या आपके साथ लाइव टेस्ट में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ जो क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा बार अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहे हैं, वेदर इट इज़ अबाउट द 12th क्लास लेवल एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में भी इनमें से कई क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो अगर आप हमसे जुड़ करके रहते हैं। और हमसे जुड़ना बहुत आसान है, उससे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने मोबाइल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा कर रखना है, सो दैट सभी अपडेट्स आपको मिल सकें। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट थे इस वीडियो के अंदर, उन सबको थैंक्स, और इस वीडियो को अब भी आप शेयर कर सकते हैं,
सो दैट कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं भी किया वो भी एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को अपने लिए प्रिपेयर कर सकें फॉर द नेक्स्ट कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड गाइज वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।